गंगा जी में। अब देखिए किस तरीके से उलते हैं गंगा जी, तो देख लो दोस्तों कितनी किस तरीके से ये तोड़ दिए हैं पानी ने और ये तो बांध दिए। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं नरवर घाट पे, आज दिखाएंगे हम तीन घाटों पे किस तरीके से पानी चल रहा है। तो देखिए बाइक यहाँ पे हमारी खड़ी है, तो पहले जाएंगे नरवर घाट पे, फिर जाएंगे बासी घाट पे और फिर दिखाएंगे एंड में अपने नरवरा घाट पे। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि घाट का आप व्यू चेक करवाइए हमें कितना पानी चल रहा है, तो हम जा रहे हैं अभी फिलहाल में नरवर घाट की तरफ और आपको दिखाएंगे किस तरीके से बाढ़ आई हुई है घाटों पे और किस तरीके से स्नान हो रहा है, किस तरीके से लोग नहा रहे हैं नहीं नहा रहे हैं अभी। तो वीडियो बने रहना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हो रही है। तो दोस्तों अभी निकल गए नरवर घाट की तरफ, तो अभी गाड़ी में डलवाएंगे पेट्रोल और फिर चलेंगे नरवर घाट पर। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है नरवर घाट, तो चलते हैं अभी। नरवर घाट के लिए रास्ता है जाने के लिए, जो है टेलो वाली रास्ता है वहाँ एंड में नरवर घाट पे आती है। तो आप ये देख सकते हो गंगा जी का पानी जहाँ तक आया है। तो आप ये देखिए खेत थे पहले, तो ये खेतों में भी पानी आ चुका है दोस्तों। तो आप फिलहाल में ये देखिए रोड है, तो जहाँ से पार करके उधर नरवर घाट है कुछ दूरी पर ही, और ये देखिए जहाँ पर पानी चल रहा है अभी, जिस पर देखिए कभी भी पानी इस रोड पर आ सकता है। ये देखिए जहाँ पर रोड है, और दोस्तों इधर देख सकते हो ये कूड़ा भी इसमें ही आया है, जलकुंडी वगैरह है यहाँ पर रोड पर। तो आप पानी का व्यू अभी से चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा, तो अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो अभी आ चुके हैं घाट पे, और जो घाट है यहाँ पे नरवर घाट, तो यहाँ पे लोग स्नान करते थे। तो आप फिलहाल में देख सकते हो, तो यहाँ पे ये देखिए इनमें पूरे में पानी चल रहा है, और जो देखिए मंदिर में किस तरीके से पानी है, और बाढ़ का पानी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है दोस्तों इधर। और फिलहाल में आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये भी डूब चुके हैं, यहाँ पे थोड़े थोड़े जो कपड़े बदलने के स्नान करते बाद में यहाँ पे कपड़े बदलते हैं, तो देखिए सीढ़ी पे पानी लग चुका है यहाँ पे। तो आप ये देखिए सीढ़ी पे पानी है, और मंदिर में भी अभी जाके दिखाएंगे आप किस तरीके से पानी आया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर की तरफ अभी, हम मंदिर देखिए और नीचे देखिए यहाँ पे लेता है। तो दोस्तों अभी मंदिर पे पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ पे मंदिर पे आ गए हैं दोस्तों। और ये देख रहे हो यहाँ पे नुक्कील करते हैं, ये रेलिंग थी, तो यहाँ पे ये घाट था, ये पूरा डूब चुका है जो वाला अभी, तो जहाँ पे लोग यहाँ पे स्नान करते थे इससे आगे नहीं जाए। और पानी आप देख सकते हो कितनी तेज़ पानी चल रहा है, और फिलहाल में अभी तो आपको यहाँ पे व्यू चेक कर सकते हो कुछ इस प्रकार के, और जो मंदिर है यहाँ पे। तो अभी जहाँ पे आ चुके हैं देखिए, जहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं, और देखिए पेड़ों के करीब में पानी चल रहा है, और आप देखिए कितनी तेज़, जहाँ पर पेड़ भी डूब चुके हैं, ये देखिए कभी भी पेड़ भी ये गिर सकते हैं फिलहाल में। और पानी देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है इधर से, जो गंगा का रूप है यहाँ पे, गंगा जी इतनी तेज़ आई हुई है यहाँ पे, जो गंगा जल है किस तरीके से बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बरगद का पेड़ भी है, और ये देखिए किस तरीके से पानी चल रहा है यहाँ पे। तो देख लो दोस्तों कितनी तेज़ जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, और इस तरीके से यहाँ पे नरवर घाट पर पानी चल रहा है, जो जल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल बढ़ा हुआ है। और पेड़ देख सकते हो फिलहाल में, तो पेड़ की जो डहनियाँ हैं वो गंगा जल से छू रही हैं यहाँ पर, और जो देखिए पेड़ का काफ़ी बड़ा है बरगद का। और आप ये देख सकते हो पक्का घाट था, तो पानी उस पर से उतर रहा है, और ये देखिए किस तरीके से जहाँ से भी पानी आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे करीब में पानी चल रहा है, यहाँ पे पूरा गंगा जल बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कुछ सिद्धार्थ जल्दू अभी नहा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, और पेड़ की डैनी देख सकते हो किस तरीके से छू रही है यहाँ पे। ये तो था नरवर घाट का व्यू, और आप चलते हैं बासी घाट पर, और बासी घाट पर आपको दिखाते हैं वहाँ पर किस तरीके से घाट पर पानी है। तो अभी तो आपने नरवर घाट का देखा कितना पानी यहाँ पे चल रहा है घाटों पे, तो अब चलते हैं बासी घाट की तरफ। दोस्तों देख सकते हो भैया किस तरीके से अपने खेत देख के आए हैं, उधर ईंख है इनकी, तो देखिए पैर के गए थे और तैर के आ रहे हैं, तो गंगा जल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखिए रोड पे आने वाले हैं अब ये, तो उधर से आए हैं ये अपने खेत में पानी में घूम के, तो देखिए अब जो बाहर निकलने वाले हैं। और आपको दिख रहा होगा चारों तरफ अभी गंगा जल ही दिख रहा होगा फिलहाल में, तो देखिए आ गए यहाँ पे अपने खेतों में घूम के, उधर ईंख है इनकी, जो ईंख दिख रही है आपको ये सारी पानी में ईंख खड़ी है। तो अभी बासी घाट की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे रास्ते में देखा तो ये धान के खेत हैं, तो इनमें भी पानी आ गया है, ये देखिए पूरे धान पानी में खड़े हैं फिलहाल में।
और उधर भी देख सकते हो सभी खेतों में इधर की साइड पानी आया हुआ है। तो बासी घाट पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो ये बासी घाट है यहाँ का नरोरा का। तो यहाँ पे देखिए अभी जहाँ पे जो पानी बढ़ा है, तो जहाँ पे अभी फिलहाल में इस घाट पे अभी इतना पानी नहीं बढ़ा है जितना नरवर घाट पे है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो पिछली बार हमने आज से एक महीने पहले जो यहाँ पे ब्लॉग बनाया था, तो आप देख सकते हो जहाँ पे जो पहले यहाँ पे तो स्नान कर रहे थे लोग यहाँ पे, तो बस ये थोड़ा ही सी पानी यहाँ पे आया है जो बासी घाट पे है। और दोस्तों इस प्रकार से ही, और इस घाट पे तो अभी ज़्यादा लोग स्नान कर नहीं रहे हैं, इस पर तो एक जो भैया स्नान कर रहे हैं और इतना पानी नहीं है इस पर। तो अब जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक जो पानी आया हुआ है वो नरोरा गंगा जी घाट पे आया हुआ है। तो अभी चलते हैं नरोरा गंगा जी घाट पे और आपको दिखाते हैं। तो जहाँ तो अभी इतना नहीं आया है, ये देखिए स्नान भी हम लोग कर रहे हैं इधर, तो अभी फ़िलहाल में इतना बहुत थोड़ा बहुत आया हुआ है इस घाट पर। तो चलते हैं अब नरोरा वाले घाट पर और वहाँ का व्यू दिखाते हैं। मुझे भी लगता है वहाँ पर ज़्यादा खतरनाक पानी आया हुआ है। दुकान भी यहाँ पे दोस्तों थोड़ी बहुत लगी हुई है, एक आध दो दुकान लगी हुई है। तो अब चलते हैं नरोरा घाट की तरफ। नरोरा गंगा जी घाट पे आ चुके हैं। तो देखिए पीछे गंगा जी घाट है, तो यहाँ पे तो काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, इतना तो नरवर घाट पे भी नहीं कर रहे थे, नहीं बासी घाट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए कपड़े बदलने की जो थी जे थे इसमें, तो काफ़ी पानी बढ़ा हुआ है। सीढ़ी आप देख सकते हो कितनी सीढ़ी रह गई है यहाँ पर डूबने से, और ये तो घाट से आधा घाट अभी पानी में ही है। और ये देखिए किस तरीके से ये तोड़ दिए हैं पानी ने, और ये तो बांध दिए रस्सी से बह नहीं जाए। तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कितने कितने डूब चुके हैं यहाँ पे। और दोस्तों इस वाले घाट के तो एक आध दो पानी में बह भी गए हैं, तो देखिए इस घाट पे नहीं है और इस घाट पे तो दो हैं, तो ये बंधे हुई हैं रस्सी से। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पानी बढ़ा हुआ है, ये देखिए किस तरीके से नहा रहे हैं उदम करके। तो फिलहाल में अभी और आगे चल के आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए ये पीपल का पेड़ है, और देखिए पानी से बिल्कुल ही करीब में चल रहा है, और मंदिर के बिल्कुल करीब में पानी आ चुका है फिलहाल में आप देखिए यहाँ पे। तो ये नरोरा घाट का कुछ व्यू है यहाँ पे, इतनी तेज यहाँ पे पानी चल रहा है। तो अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये नरोरा गंगा जी घाट पे तो थोड़ी बहुत अभी भीड़ भी है यहाँ पे, स्नान करने के लिए लोग आए हुए हैं, और दुकान भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुली रहती हैं और लग भी रही हैं दुकान। तो देखिए अभी तो दोस्तों पानी का आप तेजाई देख सकते हो कितनी तेजाई है, और जो पानी बढ़ रहा है यहाँ पे काफ़ी तेज़ पानी बढ़ रहा है। और आप देखिए यहाँ से पूरे में आपको अभी फिलहाल में पानी देखने के लिए मिलेगा जो देखिए, और मेला भी अभी इस घाट पे तो भीड़ वगैरह रहती है, स्नान करने के लिए भी काफ़ी लोग आए हुए हैं देखिए, तो स्नान भी काफ़ी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देख सकते हो वहाँ पे दो लड़का किस तरीके से नहा रहे हैं, और देखिए किस तरीके से पानी की रफ्तार है और किस तरीके से बह गए देखो पानी में। तो दोस्तों ये बहुत दूर से उले हैं, और जो इस प्रकार से देखिए बह के अब तैर के आ जाएंगे, क्योंकि ये घाट पे ही रहते हैं, तैरना जानते हैं और नहाते हैं इस प्रकार से ही। तो दोस्तों ये देखिए अभी पानी और बढ़ा है, कल रात को बढ़ा था, तो आज हम नहाए हैं सुबह वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए कुछ इतना पानी अभी और बढ़ चुका है। तो अभी जो पुल है ना, पुल से थोड़ा छू के चल रहा है पानी यहाँ पे, ये बैराज है नरोरा का। दोस्तों आप ये देख सकते हो यहाँ पे पूरे में कट्टे लगा दिए हैं, क्योंकि ये पानी से कट रहा है। तो देखिए वो भैया लगा रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से मट्टी और नहीं कटे यहाँ पे। दोस्तों देखिए किस तरीके से भाग के यहाँ पे भी नहा रहे हैं, काफ़ी तेज़ पानी चल रहा है गंगा जी में, और देखिए किस तरीके से उलते हैं गंगा जी में। और इतने बाढ़ के पानी में तो अभी फ़िलहाल में कोई भी नहीं नहा सकता, एक आधी जना यहाँ पे उल के नहा रहे हैं, क्योंकि ये तो कट्टे लगा रहे हैं यहीं पे, तो इसलिए यहाँ पे नहा भी रहे हैं और कट्टे भी लगा रहे हैं। तो देखिए अब तैर के उधर चले जाएंगे, और इस पटलैंड पे से नहाते हैं उल के। और गंगा जी का आप बहाव देख सकते हो कितनी तेज़ है, और पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर से बढ़ा हुआ है गंगा जी का। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। और आज हमने आपको दिखाया तीन घाटों पे किस तरीके से पानी चल रहा है और किस तरीके से बाढ़ आई हुई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।